गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे हम बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक ऑन ए वेरी सीरियस सब्जेक्ट टुडे, द इशू ऑफ हैरेसमेंट टू मेंबर्स इन ए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में मेंबर्स को होने वाली या मेंबर्स को किए जाने वाले परेशानियों के बारे में हम आज बात करेंगे, थोड़ी जानकारी लेंगे। हैरेसमेंट मतलब क्या? हैरेसमेंट मतलब आपको परेशान करना, तंग करना। और सबसे पहला हमारे दिमाग में जब आता है हैरेसमेंट का कोई बात करता है तो हैरेसमेंट माने छेड़खानी। छेड़खानी माने क्या? तो ये ज्यादातर के लेडीज और यंग गर्ल्स के बारे में ज्यादा कंप्लेंट्स आती है, उनसे ये ज्यादा कंप्लेंट्स आती है कि वो रस्ते से आते जाते वक्त या तो सोसाइटी में जब राउंड लगाते हैं उस वक्त कुछ लोग एंटी सोशल एलिमेंट्स कहो या तो बहके हुए तरुण कहो, उनके बारे में कुछ कमेंट्स पास करते हैं, उनको छेड़ते हैं, कैट कॉल्स करते हैं, या तो ऑफिस में या तो फिर आते जाते जब यातायात करते हैं, ट्रेन में हो, बस में हो, तो उधर की जाती है छेड़खानी। तो ये हुआ जो सबसे ज्यादा चलने वाला हैरेसमेंट का एक तरीका। पर एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो और तरीके भी होते हैं हैरेसमेंट के, और उसके बारे में भी हम आज थोड़ी जानकारी देंगे। सबसे पहले होता है मेंबर टू मेंबर हैरेसमेंट, माने सोसाइटी के दो लोगों का एक दूसरे के साथ अनबन हो जाता है, जमता नहीं है एक दूसरे के साथ, तो वो एक दूसरे के बारे में टीका टिप्पणी पब्लिक में करने लगते हैं, लोगों को एक दूसरे के बारे में भड़काते हैं, किसी के बारे में गलत रूमर्स फैलाते हैं, और जो परेशानी वो मेंबर को होती है जिसके बारे में किया जाता है, तो ये होती है मेंबर टू मेंबर परेशानी। दूसरी होती है मैनेजिंग कमेटी मेंबर से मेंबर्स को होने वाली परेशानी। मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स काफी बार उनके दिमाग में थोड़ी हवा जाती है कि हम कुर्सी पे बैठे हैं तो कोई बहुत बड़े महान आदमी हो गए हैं, और वो उस तरह से एरोगेंट और बहुत ही रूढ़ बर्ताव मेंबरों के साथ करते हैं। काफी बार मेंबरों को वो धमकाते भी है, उनको मीटिंग्स में बात करने नहीं देते हैं, दूसरे लोगों को उनके बारे में भड़काऊ स्टेटमेंट्स करते हैं। तो ये होती है मैनेजिंग कमेटी मेंबर टू सोसाइटी मेंबर के एक तरह की हैरेसमेंट परेशानी। तीसरी होती है सोसाइटी के ऑफिस में जो स्टाफ होता है तो उनके ऊपर जो दादागिरी मैनेजिंग कमेटी मेंबर और ऑफिस बेयरर्स करते हैं वो एक और एक किस्म की परेशानी या हैरेसमेंट गिना जाता है। तो ये हर एक हैरेसमेंट के पहलू पे आज थोड़ा थोड़ा हम बात करेंगे, और उसमें से रास्ता कैसे निकालने का वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, हैरेसमेंट जो होता है उसके जो करने का हैरेसमेंट करने के जो प्रकार होते हैं, तो सबसे बड़ा पहला प्रकार होता है बुलिंग। बुलिंग मतलब भाईगिरी करना, दादागिरी करना, खुद का रौब जमाना, खुद की ताकत या जो पावर खुद के हाथ में जो होती है उसका फायदा या तो गैर फायदा उठा के दूसरों को नीचा दिखाना और परेशान करना, उनके साथ गैर व्यवहार करना, बहुत ही रूडली बात करना, बहुत एरोगेंट बात करना, उनके बारे में लोगों में अफवाह फैलाना, ये इस सारे प्रकार को बुलिंग कहा जाता है। और ये बुलिंग जिसके लिए किया जाता है वो आदमी को कहते हैं विक्टिम। तो बुलिंग एक बहुत ही भयंकर प्रकार होता है हैरेसमेंट लोगों को करने का। दूसरा एक प्रकार जो होता है वो छेड़खानी, जैसे मैंने बात करी कि सोसाइटी के या तो बाहर के समाज कंटक लड़के एक दूसरे की छेड़ निकालते हैं, खास करके लड़कियों की या औरतों की, तो वो एक छेड़खानी का प्रकार होता है हैरेसमेंट करने का, लोगों को परेशान करने का। तीसरा जो होता है सोसाइटी के बारे में बात करें तो थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग माने धमकाना, मीटिंग में आपको बात नहीं करने देना, दो चार लोगों का ग्रुप बनाना और आपके आंग के ऊपर आना, ट्राई टू असॉल्ट यू, आपको आके हम मारेंगे, ऐसे थोड़े गेस्चर्स करना, हाथ
उस हिसाब से मूठ होए या तो उंगलियां आपकी तरफ सिग्नल करना, ये सारा थ्रेटनिंग में आता है। एसॉल्ट माने प्रत्यक्ष स्वरूप हल्ला या कि आपको मारना, तो ये होता है एसॉल्ट। ये भी हैरेसमेंट का एक बहुत ही गंभीर पहलू है और इसके ऊपर सीधी पुलिस केस करनी चाहिए। और जो हैरेसमेंट का प्रकार होता है वो आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करना, लोगों को आपके बारे में झूठी अफवाहें देना, आपके खिलाफ लोगों को भड़काना, उकसाना, ये इग्नाइटिंग अदर मेंबर्स इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हैरेसमेंट ऑफ ए मेंबर। झूठी अफवाह ये तो बहुत ही गंभीर विषय होता है। दूसरों के कैरेक्टर एसेसिनेशन करने का मतलब दूसरों का चरित्र हनन करने का पीठ के पीछे, तो इट इज ऑल्सो ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। झूठी अफवाह किसी के बारे में आपके पीठ के पीछे फैलाने का, ये भी हैरेसमेंट का एक तरीका होता है। अभी ये सब जो तरीके होते हैं उसके अलावा ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, खास करके अगर ऑफिस में औरतें काम करती है तो उनके साथ बहुत ही अच्छा सलूक लोग ऑफिस बेयरर्स ने या तो ऑफिस का जो मैनेजर वगैरह होते हैं उन्होंने करना चाहिए। मेरी जानकारी की एक सोसाइटी है, काफी बड़ी सोसाइटी है, उसके चेयरमैन ने खुद बहुत ही बदतमीजी से बात अपने लेडी स्टाफ के साथ 2-3 बार की थी, जो बुलिंग प्रकार में आती है, और खुद का बहुत ज्यादा रोक जमाया था। दोस्तों यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है कि महिलाएं खास करके पुलिस के पास जाने के लिए डरती है, कौन झंझटमारी करेगा, तो आगे आके वो कंप्लेंट नहीं करती है, खुद की बदनामी होगी ऐसे उनको लगता है, हालांकि बदनामी दूसरे की होगी, आपकी नहीं होगी, पर ये समझते नहीं है और आगे नहीं आते है। और ये आगे ना आने से ये ऐसे जो फालतू लोग होते हैं जो रोक जमाते हैं या उनका इंसल्ट करते हैं या उनको बुली करते हैं, उनको और बल मिलता है। तो ये रोकने के लिए महिलाओं ने या तो जिसके ऊपर बुलिंग हो रहा है वो कर्मचारियों ने ऐसे हालात में उठ के आवाज उठाना, यही एक तरीका है ये सब चीजें अगर रोकनी है तो। और दूसरा हल क्या है, तो बायलॉ के तहत सेक्शन बायलॉ नंबर 174 ई के हिसाब से आपको अगर कोई हैरेस कर रहा है तो आप सीधे पुलिस स्टेशन जाके वो आदमी के खिलाफ एनसी रजिस्टर कर सकते हैं, करनी चाहिए। देखो पुलिस हमारे दोस्त है, पुलिस हमारे मित्र है, और ये सब अगर गैर प्रकार चल रहे हैं समाज में आपके सोसाइटी में, तो उनको रोकने के लिए अगर आप पुलिस के पास जाती है तो सबसे लीगल और सबसे जायज तरीका होता है। तो आपने यही तरीका अपनाना चाहिए। पुलिस आपकी मदद के लिए होती है, आपके परेशानी दूर करने के लिए होती है, ना कि आपको परेशान करने के लिए। तो अगर आपको कोई हैरेस करता है तो आइंदा ख्याल रखिए, सीधे पुलिस स्टेशन में जाके वो आदमी के बारे में एनसी रजिस्टर कीजिए। इसके बाद के प्रेजेंटेशन में भी हैरेसमेंट के जो अलग अलग प्रकार है जो मैंने आपको अभी बताया है उसके बारे में मैं आपको और ज्यादा जानकारी दी है, वो प्रेजेंटेशन गौर से देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।